बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिस बुशरा जब्बार एंड आई एम द टीचर ऑफ क्लास KG1। दिस इज़ योर उर्दू बुक। टुडे वी विल स्टडी उर्दू। आज हम क्या पढ़ेंगे? उर्दू पढ़ेंगे। सो दिस इज़ योर बुक ऑक्सफोर्ड गुलाब नर्सरी के लिए। यहाँ पे नर्सरी से मुराद KG1 है, क्योंकि इनके खुद के दिए हुए नाम हैं। ओके, नर्सरी से मुराद यहाँ पे क्लास KG1 ही है। सो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में सबसे पहले हम लोग हरफ़ तहजी से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, उर्दू में सबसे पहले हम हरफ़ तहजी से स्टार्ट करेंगे। हरफ़ तहजी अलिफ से ये तक आने वाले हरफ़ को कहते हैं। जिस तरह हम लोग इंग्लिश के अंदर A to Z पढ़ते हैं, इसी तरह हम लोग उर्दू के अंदर हरफ़ तहजी पढ़ते हैं। हरफ़ तहजी 36 होते हैं, मतलब उर्दू में 36 हरूफ होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर वर्क। दिस इज़ योर फर्स्ट पेज। ओके, नीचे दिए गए हरूफ पर हाथ फेरिए और पढ़िए। अलिफ से ये तक आपको यहाँ पे हरफ़ तहजी लिख के दी हुई है, ट्रेस करनी है आपने, साथ साथ पढ़ना है। सो टीचर के साथ रिपीट करेंगे ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए और रिविजन भी होता रहे और हम लोग अपने आगे के हरूफ की तरफ पहुँचें। सो सबसे पहले कौन सा हरफ आता है? अलिफ। सबसे पहले कौन सा हरफ आता है? अलिफ। अलिफ से अनार। अलिफ से अनार। अनार हम सब शौक से खाते हैं, बहुत जूसी फ्रूट होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। अलिफ से अनार। अलिफ के बाद क्या आता है? बे। अलिफ के बाद क्या आता है क्लास? बे। अब हम बे को ट्रेस करेंगे। बे, बे के नीचे एक नुक्ता। बे के नीचे एक नुक्ता। बे से बिल्ली। बे से बिल्ली। बे के बाद क्या आता है? पे। बे के बाद क्या आता है? पे। पे के नीचे तीन नुक्ते, 1 2 3। पे के नीचे तीन नुक्ते। पे से पतंग। पे से पतंग। पे के बाद क्या आता है? ते। अब हम ते को ट्रेस करेंगे। ते के ऊपर दो नुक्ते। ते के ऊपर दो नुक्ते। ते से तितली। ते से तितली। ते के बाद क्या आएगा? टे। अब हम टे को ट्रेस करेंगे, डॉट टू डॉट ट्रेस करेंगे, बहुत अच्छे से स्लोली वर्क करेंगे ताकि हमारा ख़राब ना हो। टे के ऊपर क्या है? छोटी तोएं। टे के ऊपर क्या आता है? छोटी तोएं। टे से टमाटर। टे से टमाटर। टे के बाद क्या आएगा? से। अब हम से को ट्रेस करेंगे। टीचर के साथ साथ वर्क करना है क्लास। ओके, वेरी गुड। से के ऊपर तीन नुक्ते। से के ऊपर तीन नुक्ते। से समर। से समर। अलेफ बे। बे के नीचे एक नुक्ता। बे के बाद क्या आता है? पे। पे के नीचे तीन नुक्ते। पे के बाद क्या आएगा? ते। ते के ऊपर दो नुक्ते। ते के बाद आएगा टे। टे के ऊपर छोटी तोएं। टे के बाद आएगा से। से के ऊपर तीन नुक्ते। अलेफ बे पे ते टे से। रिपीट विद मी। ओके, अलिफ बे पे ते टे से। वेरी गुड। अब हम अपने नेक्स्ट हर्फ की तरफ आते हैं, जीम। जीम को ट्रेस करेंगे लाइक दिस। जीम को हमने ट्रेस किया। जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता। जीम, जीम से जहाज। जीम से जहाज। जीम के बाद क्या आता है? चे। जीम के बाद क्या आता है? चे। चे के पेट में तीन नुक्ते। चे के पेट में तीन नुक्ते। 1 2 3। चे से चाबी। चे से चाबी। चे के बाद क्या आता है? हे। चे के बाद क्या आता है? हे। हे खाली। हे के अंदर, हे के पेट में कोई नुक्ता नहीं होता, तो हे क्या हुई? खाली हो गई। हे से हलवा। हे से हलवा। हे के बाद क्या आता है? खे। हे के बाद क्या आता है? खे। अब हम खे को ट्रेस करेंगे। खे के ऊपर एक नुक्ता। खे के ऊपर एक नुक्ता। खे से खरगोश। खे से खरगोश। अब टीचर के साथ रिपीट करेंगे। जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता। चे, चे के पेट में तीन नुक्ते। हे, हे खाली। खे,
के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाए, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्या ट्रेस करना है हमने, दाल, क्या ट्रेस करना है हमने, दाल, दाल से दांत, दाल से दांत। दाल के बाद क्या आता है, डाल, दाल के बाद क्या आता है, डाल आता है, डाल, डाल के ऊपर छोटी तोएं, डाल के ऊपर छोटी तोएं। ओके, डाल के बाद क्या आएगा, जाल आएगा, जाल को ट्रेस करेंगे, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता, दाल, दाल, जाल, जाल से जखीरा, जाल से जखीरा। ओके, नाउ नेक्स्ट हर्फ, ये क्या है, रे। अब हम रे को ट्रेस करेंगे, रे से रेलगाड़ी, रे से रेलगाड़ी। रे खाली होता है, रे पे कुछ नहीं आता, रे के बाद क्या आएगा, रे, रे के बाद क्या आएगा, रे, रे के ऊपर छोटी तोएं, रे से कोई हर्फ स्टार्ट नहीं होता। ओके, नाउ कम टू जे। अब हम जे को ट्रेस करेंगे, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे से जिराफा, जे से जिराफा। अब इसके बाद क्या है, जे, इसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, जे से जालाबारी, जे से जालाबारी। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे। अब क्या आ जाएगा, सीन, कौन सा हर्फ है ये, सीन। अब हम सीन को ट्रेस करेंगे, अब हम सीन को ट्रेस करेंगे, सीन के ऊपर कोई नुक्ते नहीं आते, सीन से सेब, सीन से सेब। सीन के बाद क्या ट्रेस करेंगे, शीन, सीन के बाद क्या आता है, शीन आता है, शीन से शेर, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, सीन, शीन। शीन के बाद क्या आता है, स्वाद आता है, तो अब हम स्वाद को ट्रेस करेंगे, स्वाद, स्वाद के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं होता, स्वाद से सुराही, स्वाद से सुराही। स्वाद के बाद क्या आता है, द्वाद आता है, स्वाद के बाद क्या आता है, द्वाद। सिर्फ एक नुक्ता लग जाएगा द्वाद के ऊपर, ओके, द्वाद, द्वाद से ज़ईफ, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद। ओके, नाउ इसके बाद क्या लिखा हुआ है, तोएं, तोएं से तोता, तोएं से तोता। तोए के बाद क्या लिखा हुआ है, जोएं, जोएं से ज़ुरूफ, जोएं के ऊपर एक नुक्ता, जोएं के बाद क्या आता है, ऐन। अब हम ऐन को ट्रेस करेंगे, ऐन से ऐनक, ऐन से ऐनक। ऐन के बाद क्या ट्रेस करेंगे हम लोग, गैन, गैन के ऊपर एक नुक्ता, गैन से गुब्बारा। फे, फे के ऊपर एक नुक्ता, फे के ऊपर एक नुक्ता, फे से फवारा, फे से फवारा। फे के बाद क्या है, काफ लिखा हुआ है, अब हम काफ को ट्रेस करेंगे, ये नुक्तों वाला काफ कहलाता है, काफ के ऊपर दो नुक्ते, नुक्तों वाला काफ कहलाता है, इस वाले काफ से आती है कुल्फी, काफ से कुल्फी, ये नुक्तों वाला काफ कहलाता है। इसके बाद भी ये काफ आता है, ये मरकस वाला काफ होता है, इसके ऊपर एक मरकस लगता है, एक डंडी लगती है, इस डंडी को मरकस कहते हैं। ओके, ये भी काफ है, ये नुक्तों वाला काफ है, ये मरकस वाला काफ है। इस वाले काफ से आता है कौवा, काफ से कौवा। काफ के बाद क्या आता है, गाफ, हम गाफ को ट्रेस करेंगे, गाफ, काफ, काफ, गाफ, गाफ से गाड़ी, गाफ से गाड़ी। अब हम क्या ट्रेस करेंगे, लाम, क्या ट्रेस करेंगे हम, लाम, लाम से लालटेन, लाम से लालटेन। लाम के बाद आएगा मीम, क्या ट्रेस किया हमने, मीम, मीम से मोमबत्ती, मीम से मोमबत्ती। मीम के बाद क्या आएगा, नून, नून के अंदर एक नुक्ता, नून के अंदर एक नुक्ता, नून से
नून से नलका, नून से नलका, नून के बाद क्या आएगा? वाव, नून के बाद क्या आएगा? वाव, वाव को हमने अब प्रेस किया है, वाव कोई लव शुरू नहीं होता वाव से, ओके। वाव के बाद क्या आएगा? हे से हाथी, हे से। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका वर्क कंप्लीट होता है उर्दू का। जिस तरह टीचर ने आपको बताया है इसी तरह आपको कॉपी में वर्क करना है। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन एंड देन सबमिट इन स्कूल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या वर्क गिवन है? खुद पे तहजी मुकम्मल करें। इससे पहले वाले पेज पे हमने प्रेसिंग की थी, अब हम यहाँ पे खुद से लिखेंगे। जहाँ जहाँ ब्लैंक गिवन है सिर्फ वहाँ वहाँ हमें वो हर्फ लिखना है जो मिसिंग है, और जो लिखे हुए उनको दोबारा रिपीट नहीं करना। सबसे पहले कौन सा हर्फ आता है? अलिफ। अलिफ के बाद क्या आता है? बे। तो हम इस वाले ब्लैंक में लिखेंगे बे, बे के नीचे एक नुक्ता। बे के बाद क्या आता है? पे। बे के बाद क्या आता है? पे। पे के नीचे तीन नुक्ते। अब पे हमारे पास लिखा हुआ है तो हम पे नहीं लिखेंगे, तो नेक्स्ट जो ब्लैंक है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ते। पे के बाद क्या आता है? ते। ते हमने लिखा, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते के ऊपर दो नुक्ते। ते के बाद क्या आता है? टे। टे के ऊपर छोटी तोएं। टे हमारे पास लिखा हुआ है तो अब हम कौन से यहाँ पे हर्फ लिखेंगे जो टे के बाद आता है? टे के बाद कौन सा हर्फ आता है? से। टे के बाद कौन सा हर्फ आता है? से। से के ऊपर तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। से के बाद कौन सा हर्फ आता है? जीम। जीम के अंदर एक नुक्ता, जीम के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। जीम के बाद क्या आता है? चे। जीम के बाद क्या आता है? चे। चे के पेट में तीन नुक्ते, चे के पेट में तीन नुक्ते। चे के बाद क्या आता है? हे। हे खाली, हे में कोई नुक्ता नहीं होता। हे के बाद क्या लिखेंगे हम ब्लैंक में? खे। हे के बाद क्या आता है? खे आता है। खे के ऊपर एक नुक्ता। जीम, चे, हे, खे। अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे दाल। क्या लिखा हुआ है ये? दाल। दाल के बाद क्या आता है? दाल। दाल के ऊपर छोटी तोएं। दाल के बाद क्या आता है? जाल आता है। जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल के बाद क्या लिखेंगे हम? रे। क्या लिखेंगे हम? रे। रे के बाद क्या आता है? रे। रे के ऊपर छोटी तोएं। रे के ऊपर छोटी तोएं। रे के बाद क्या आता है? जे आता है। जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता। और जे के बाद क्या आता है? जे। ओके, इसके ऊपर कितने नुक्ते आएंगे? तीन नुक्ते आएंगे। और कम टू नेक्स्ट हर्फ, कौन सा हर्फ है ये? सीन है। क्या है ये? सीन है। सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं आता। सीन के बाद क्या आएगा? शीन। सीन के बाद क्या आएगा? शीन आएगा। शीन के ऊपर तीन नुक्ते, शीन के ऊपर तीन नुक्ते। शीन के बाद क्या आएगा? स्वाद। क्या है ये? स्वाद है। स्वाद के बाद हम क्या लिखते हैं? द्वाद लिखते हैं। ओके, द्वाद के ऊपर एक नुक्ता, द्वाद के ऊपर एक नुक्ता। द्वाद के बाद क्या लिखा हुआ है? तोएं लिखी हुई है। तोएं। तोएं के बाद क्या आएगा? जोएं। तोएं की शक्ल ही बनेगी और बस एक नुक्ता लग जाएगा, जोएं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऐन। ऐन लिखा हुआ है तो ऐन के बाद जो हर्फ आएगा हम वो लिखेंगे। ऐन के बाद क्या आता है? मैन आता है। मैन भी ऐन की शक्ल का होता है, बस एक नुक्ता लग जाएगा, गैन। गैन के बाद क्या है? फे। फे के ऊपर एक नुक्ता, फे के ऊपर एक नुक्ता। फे के बाद क्या आएगा? काफ। पहले कौन सा काफ आता है? नुक्तों वाला काफ आता है। कौन सा काफ आता है? नुक्तों वाला। इसके बाद कौन सा काफ आता है? मरकज वाला, डंडी वाला। दो काफ होते हैं, एक नुक्तों वाला काफ होता है, एक मरकज वाला काफ होता है। काफ के बाद क्या आएगा? गाफ आएगा। गाफ। गाफ के ऊपर दो मरकज लगेंगे, दो डंडी लगेंगी। ओके, इसके काफ के बाद क्या आता है? लाम आता है। लाम लिखा हुआ है तो लाम के बाद क्या लिखेंगे हम? नीम। क्या लिखेंगे हम? नीम। नीम के बाद क्या है? नून। नून के अंदर एक नुक्ता। नून के बाद क्या आएगा? वाव। लाम, नीम, नून, वाव। वाव के बाद क्या आएगा?
के बाद क्या आएगा हे के बाद क्या लिखा हुआ है छोटी ये, छोटी ये के बाद क्या आएगा डैश में बड़ी ये, लाम मीम मू वाव हे छोटी ये बड़ी ये। अब ये वाला वर्क हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिस तरह टीचर ने आपको बोला है उसी तरह आपको ब्लैंक्स फिल करनी है और ये वर्क अपना कंप्लीट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका वर्क कंप्लीट होता है उर्दू का, जिस तरह टीचर ने आपको बताया है इसी तरह आपको कॉपी में वर्क करना है। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन एंड देन सबमिट इन स्कूल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।